गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और आज है इवेंट। फक भाई, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? मतलब सो कट हो भाई, ऐसी आवाज़ आ रही है। आज है इवेंट दोस्तों, तुम्हारा भाई परफॉर्म करने जा रहा है। अब क्या होगा मेरे को पता है, बट एक्सपीरियंस तो मिलेगा। 100-150 लोगों के आगे कैसे करते हैं परफॉर्म, और देखते हैं। कितना घूर आ रहा हूँ, इतना तो हूँ भी नहीं। नाइस भाई, यो मेरी नाक कितनी बड़ी आ रही है इसमें। देखो बस, तो मेरी कटिंग। तो भाई मैं नहाने जा रहा हूँ, 8 बजे उठा था, 9 बज गए। सोच रहा था नहा बनाऊंगा, यो सेक्सी तो लग रहा हूँ भाई मैं। और अगर तुम्हें कपड़े दिखाऊँ तो कपड़े भी दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये डेनिम पहन रहा हूँ, ये टी शर्ट है, और ये। और अकेले नहाने का मन नहीं करता यार, एक नहाने वाले साथ में नहाने के लिए क्यूटी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना। तो मैं नहा धो के पूरा सेट हो चुका हूँ। ये मेरी डेनिम जो तुमको दिखाई थी मैंने, ये टी शर्ट और ये जीन्स। सेक्सी तो लग रहा हूँ मैं, बस बाल और बनाने यार, बाल बना लूंगा अभी। बट एक कैच देखो, ये डेनिम थोड़ी छोटी हो चुकी है, मतलब एकदम फिट आ रही है। और इसकी बाजू देखो तुम, इसकी बाजू ये देखो, अभी तक मेरे हाथ के बाहर जा रही है। तो जो डेनिम बनाने वाले हैं मेरी, उनसे एक अपील है कि दोस्तों बाजू भी थोड़ी देख के बनाया करो यार। अब कोई ये नहीं कहेगा कि तेरे हाथ छोटे रह गए। फक, मेरे को भी याद आया कि मैंने पोर्ट्रेट में शूट कर लिया ये वीडियो, ऐसे शूट करनी थी मेरे को। ऐसे और सेक्सी लग रहा हूँ मैं ब्रो, व्हाट द फक। गोरे ख्वाबों का ये घराना। मैं बहन जो टेढ़ा खड़ा होता हूँ क्या? वही जींस से कोई छपरी नहीं कहेगा भाई। तुमको कैमरे में देखने में ऐसी लग रही है, छपरी वाली नहीं है लेकिन। चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ तुम्हें अब थोड़ी देर बाद। मेट्रो में आ चुके हैं, ये एलिवेटर अगर तुमने कभी नहीं देखा हो तो। ये सामने मेट्रो जा रही है, कोई भाई जा रहा है और पीछे मैं खड़ा हूँ। मेट्रो आके निकल गई, अब भागना मेरे बस की है नहीं, तो मैं भाग नहीं रहा हूँ। अगली बार पकड़ेंगे हम, क्योंकि हमें बीच में एक स्टेशन पे उतरना है और एक भैया को लेना है, तो इसलिए अगली वाली पे उतरे। अगली वाली पकड़ लेंगे यार, अब क्या ही करें। ये देख लो, ऐसे होता है मेट्रो स्टेशन, ये होती है मेट्रो। मुंबई वालों, ऐसी होती है मेट्रो। दर्शन करने हैं तो कर लो दोस्तों, मैं अभी सेक्सी तो लग रहा हूँ। यो दोस्तों, फाइनली अमन भैया इज हियर। ये भी दिल्ली सर्किट के एक उम्दा कॉमिक है जो हमारे साथ जा रहे हैं परफॉर्म करने। और भैया, आपकी प्राइवेसी तो इन्वेड नहीं हो रही? ना ना, मेरी है ही नहीं। ओ फिर तो ठीक ही है, मेरे को लगा आप कहोगे कि अब इन्वेड करके क्या ही पूछ रहा है। दोस्तों अब वॉकआउट हो रहा है, तो चलो बंद करते हैं। ये भी दिल्ली सर्किट का कॉमिक है दोस्तों, बस इसके पास जोक्स नहीं है बट ये कॉमिक है। ये रोहन भैया, इनसे तो आप मिल ही चुके हो। ये दो नए दोस्तों से मैं मिला, नाम बता दो दोस्त। विशाल, इमरान। ये भी दिल्ली सर्किट का ही कॉमिक है। कौन दिल्ली सर्किट भाई? ये नहीं है बस, ये किल करा इन दीदी ने। ये देखो दोस्तों, अगर शक्ल दिख पा रही होगी तो इन दीदी ने किल करा एकदम। इन भैया ने भी मतलब बहुत ही बढ़िया ही टेबल बजाई, मेरे को पता नहीं है क्या होता है बट हाँ बढ़िया था। अगली आ रही है अब बेंचो, हमारा इवेंट डिले है अब 2 घंटे। दोस्तों फेस्ट तो उनका बड़ा ही सेक्सी है, बस ये सेक्सी नहीं है। यहाँ पे वॉलीबॉल का भी सिस्टम चल रहा है कुछ तो। अब इन्होंने तो शादी वाली कैटरिंग, हाँ मतलब खाना पीना भी है जो हमको खरीदना पड़ेगा, फ्री नहीं है हमारे लिए। ओह आर्ट वर्क भी है यहाँ पे, इफ़ आई कैन टेक वीडियो, बट मैंने तो ले ली। हटाओ फिर। यहाँ पे पैरा का वो भी है, 7 बजे शायद मैं रुकूँ, शायद शायद ना रुकूँ। तो आप ऐसे करो ना, अरे मैं वाले वो बैक कैमरे से बना रहा हूँ, इसकी बहुत बढ़िया, इसलिए इसको ले जा रहा हूँ। हाँ अरे वो मेरा जोक है साले, आज ये जोक करूँगा। मैच्योर बैग नहीं होनी तो आपको टूट दिया जाए। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक तो लड़कियों का कुछ तो है, एक लीटर प्लीटर ये जिसमें हम नहीं जाएंगे। एक DU का गेम जोन है ये। ओके, ये भी हमारे मतलब का नहीं है, हम जिंदगी के साथ गेम खेल रहे हैं भाई। तू तो कहीं देखा देखा सा है वगैरह। तो दोस्तों ये देख लो तुम, हार्ट
आर्टिस्ट मैं हूँ। लाइफ, ये हम बेचारे खड़े हुए हैं, ये भी ये हम बैठे हुए हैं। हमने सोचा था कि क्या ही हमको लेगा ट्रीटमेंट, क्या ही ट्रीटमेंट, ग्रीन रूम का है, ग्रीन रूम के नाम पे क्या ही सीढ़ियाँ दी है और खुद ही बैठे हैं हम। ये सीढ़ी है साफ सफोले ले, व्हाट इज दिस बिहेवियर, खुद साफ करके बैठे हैं। खराब भाई, आर्टिस्ट की कदर ही नहीं है ना यार। व्हाट इज दिस, व्हाट इज रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट इज दिस, बस भाई बस बस कि इनकी स्ट्रिंग सेट नहीं हो गई, देर इतनी देर से ये सेट करे जा रहे हैं, सेट नहीं हो रही है भाई। ये जो ढोल में मिलनी चाहिए, बस लुंडा बहुत तगड़े सुर लगा रहा है, सुनो तुम। ये सुर को कह रहा है जुक और मैं तेरी मारूं, और फिर इस सुर की मार रहा है भाई। बट वी सपोर्ट आर्टिस्ट, थम्स अप है भाई को कि आगे से ऐसा ना करे। घंटे में अपने ऑफिशियल पार्टनर को दे रहे हैं, बीट बॉक्सर हमारे आएगा तो भाई, साथ में स्ट्रीम करते थे हम, आज लाइव मिले हैं, थैंक यू, मिलते हैं, चलो भैया। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, शायद ये थिएटर वाले लोग हैं, बट कुछ तो चल रहा है। डमरू कह के ढोलक बजा रहे हैं, और हमारा इवेंट इनकी वजह से पोस्ट पे पड़ा है, वेंचर हमको भी स्टैंड अप करनी है भाई, कर लें दो यार। ये देखो डमरू कह के ढोलक बजा रहे हैं, हट जा चावल, मतलब पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, बट कुछ तो कर रहे हैं, और हमारी ऑडियंस लेके जा रहे हैं वेंचर। पीछे पापा बैठे थे, कहते अबे रबड़ लगाने से बच्चा नहीं होता। मगन हूँ मैं, जी रहा हूँ अपने दूसरे जन्म में, सिर्फ कला ही है धर्म जो कि लेती मुझे शरण में, सिर्फ कला ही है धर्म और मैं लेटा उसके चरण में, ऊपर वाले का पता नहीं विश्वास मुझे कर्म में। अगले देख लो कितनी भीड़ आई पड़ी है बाहर, उधर तो पूरा भरा ही पड़ा है, तुम्हें क्या ही दिखाऊं, ये लोग हैं, छोटे छोटे से दिख रहे होंगे लोग हैं, तगड़ी जाने का कौन सा गेट है, ये सारे लोग हैं चींटियों जैसे जो दिख रहे हैं। फक पैरा तुम्हारे लिए आया भाई, लोग देख रहे हो पैराडॉक्स, वो स्टेज है, स्टेज कहाँ है, ये स्टेज कोई तो है इस पर। तो बढ़िया सिस्टम रहा भाई तुम्हारा, भाई सेकंड आ गया, सही में मैं सेकंड आया हूँ, और क्या बोल रहा था, सेकंड आया हूँ, सर्टिफिकेट मिला एक, मैं सेकंड इस वजह से आया हूँ क्योंकि दोस्तों मतलब मेरे सेट में गाली नहीं थी, एक भैया हैं अमन भैया जो मैंने तुम्हें दिखाए थे, उन्होंने मेरे से भी काफ़ी बढ़िया करा था, वो फर्स्ट आने चाहिए थे, बट वो फर्स्ट नहीं आए क्योंकि उनके सेट में दो चार गाली थी, तो और मैं सेकंड आया हूँ, मेरी शक्ल बहुत बुरी लग रही है सुबह से भी ज़्यादा, तो अब मैं सो रहा हूँ भाई, थकान हो रही है, और दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, ऐसे सब बोलते हैं ना, लक्ष्य चौधरी कैसे एंड करता है, लक्ष्य चौधरी तो एंड कर उसका कुछ बोलता भी नहीं है, उस लास्ट की बात को वो रिवर्ब कर देता है। फक मेरी नाक के अंदर का कुछ दिख रहा है, ओ ब्लैक होल।